आज चट्टान दानव कुछ बोलेगा। किसी ने मजाक किया होगा, चट्टान दानव तो बस कहानियों में होता है। नहीं, मेरी दादी कहा करती थी कि पहाड़ियों में एक दानव रहता है। बदलीपुर वालों, मैं चट्टान दानव हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा। छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? सवाल पूछूंगा चार, अगर गलत जवाब आया एक भी बार तो बर्बादी के लिए रहना सारे तैयार। बोलो गांव वालों, जाने क्या पूछेगा, आज तो शामत आई। अदरक कहाँ है? सिर्फ वही सही जवाब दे पाएगा, वही इतना बहादुर है। तुम्हें याद नहीं, ये सब स्टीरियोटाइप है, लड़के और लड़कियां सब बराबर है। जो अदरक कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। बहादुरी और बुद्धिमानी में कहीं भी लड़कियां किसी से कम नहीं है। बोलो मंजूर है गांव वालों? और कोई चारा भी तो नहीं। फिर चट्टान दानव ने अपना सवाल पूछना शुरू किया। फिल्मों का हीरो लंबा गोरा बॉडी वाला होता है, हीरोइन लंबे बाल बेदाग चेहरा और गोरे रंग वाली होती है। क्या सब लड़कों को हीरो जैसा और लड़कियों को हीरोइन जैसा ही होना चाहिए? बोलो गांव वालों। सब जवाब सोचना है। बताओ, याद रखना गलत जवाब मतलब तबाही। नहीं होना चाहिए, क्यों होना है हीरो जैसा बॉडी वाला? मैं तो एकदम ओरिजिनल हूँ, किसी के जैसा नहीं, बस खुद के जैसा, जो जैसा है ठीक है। गोरे होने से क्या होगा, मुझ पर भी प्रेशर था। फिर मैंने सोचा असली चीज तो गुण है, जब मेरे में इतना गुण है तो मुझे मॉडल जैसा लगने की क्या आवश्यकता है। सही जवाब। ठहरो, अभी तीन सवाल बाकी हैं। विज्ञापनों फिल्मों में दिखने वाले हीरो ऐसे क्यों लगते हैं? विज्ञापनों से अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ही ये विज्ञापन बनाए जाते हैं। जो दिखता है वो ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमें ज्यादा जो उसकी असलियत होती है उसे ही देखनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं। शाबाश राजू, तूने तो आज बचा लिया, चैंपियन निकली तू तो। ये बात तो तुमने ही सिखाई थी बेटी। खामोश, तुम अगला सवाल सुनो। राम ने शाम को देखा और सोचा, वाह क्या बॉडी है, क्या बाल है, मेरे तो ऐसे नहीं है, क्या राजा को ऐसी तुलना करनी चाहिए? बोलो। सुनो चट्टान दानव, मैं भी हमेशा अपनी तुलना भूरीलाल से करता था और सोचता था कि मुझ में कुछ कमी है। मैंने सोचा मैं भूरीलाल से खुद की तुलना क्यों करूं और उदास रहूं, रंग रूप की तुलना करना व्यर्थ है, मैं जैसा हूं ठीक हूं और अपने आप में खुश हूं। विवेक तो अलग कहानी सुना रहा है, इसने जवाब तो दिया ही नहीं। शाबाश विवेक, तुमने सही जवाब दिया। सब एक जैसे नहीं हो सकते, किसी और से तुलना करके खुद को क्यों परेशान करना, सब अपने आप में खास है। वाह क्या जवाब दिया है। अब आखिरी सवाल पूछता हूँ। मैंने किसी से पूछा कि क्या तुमने वजन कम किया है, तुम्हें अच्छे लग रहे हो, क्या मैंने ये पूछकर सही किया? क्यों पूछा तुमने गलत बात, इतने बड़े दानव हो इतना भी नहीं पता कि लुक्स को लेकर कमेंट करने से क्या होता। अरे ये क्या पूछ रहा है, ये क्या जवाब दे रहा है, कहीं दानव को गुस्सा ना आ जाए।
खूबीलाल के जवाब सुनकर चट्टान दाना बोल पड़ा, लगता है तुम्हें जान की परवाह नहीं है, मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। खूबीलाल का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ था। अरे एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से मुझे धमका रहे हो। मेरे साथ हो चुका है ऐसा, मेरे चाचा ने बॉडी की तारीफ की तो मैं लुक्स को लेकर टेंशन लेने लग गया और मुझ पर अच्छा दिखने का प्रेशर बढ़ गया। सारा टाइम आईने के सामने ही लगा रहता, पढ़ाई लिखाई तक तरह तक से मन छूट गया। मैं जितना भी रंग रूप को सुधारने की कोशिश करता उतना ही बुरा महसूस करता। यहाँ तक कि चाचा का कमेंट सुनकर अदरक भी अपने लुक्स को लेकर परेशान हो गया, पर जल्दी आग ला गया। दोबारा जब किसी ने लुक पे अच्छा या बुरा कमेंट किया तो मैंने उसे टोका और ऐसा करने से मना किया। तो चट्टान दानव, तुम भी लुक्स को लेकर ना अच्छा ना बुरा कैसा भी कमेंट मत करना। तू गजब लड़का है रे, सवाल के जाम में पूरी कहानी सुना दी, एकदम सही बात। हाँ तुम जीत गए, अब तो सारे बच्चों को जवाब पता चल गए, पर सिर्फ याद रखने से कुछ नहीं होगा, इन सब पर अमल भी करना होगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए बदलीपुर छोड़ के जा रहा हूँ, जहाँ ऐसे चैंपियन रहते हैं वहाँ मेरा क्या काम। चट्टान दानव की बात सुनकर सब खुशी से झूम पड़े। देखो तुम्हारे बिना भी हमने जवाब दे के बदलीपुर को बचा लिया, ये आदरक डर के मारे कहाँ गायब हो गया। यह सुनकर किट्टी और तारा मुस्कुराते हैं। तभी अदरक किट्टी के पास आता है और कहता है, किट्टी वाह क्या तरकीब थी, एक ही बार में पूरे बदलीपुर के बच्चों को समझा दिया। चट्टान दाना तुम्हें भी तो मजा आया होगा ना चट्टान की आवाज निकालने में। रंग रूप की तुलना और शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें हमारे समाज में आम हैं, लेकिन ऐसी बातें सबके लिए हानिकारक होती हैं और आदर्श रूप के दबाव को बढ़ावा देती हैं। ऐसी बातें लोगों के गुणों और रुचियों से उल्टा ध्यान बटाती हैं। बॉडी टॉक सिर्फ उन लोगों के लिए हानिकारक नहीं होती जिनके लुक्स की प्रशंसा की जाती है, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुँचाती है, जैसे उनको